मैं समझता हूं थोड़ा एक अच्छा काम किया कि पारदर्शिता दे दी लोगों को, जनता को सुविधा दे दी कि क्या काम हो रहा है वो आप जानकारी अपने मोबाइल फोन पे ही ले सकते हैं। एक गर्व ऐप जनता के समक्ष रखा, जिस गर्व ऐप के में से आपको रियल टाइम पूरे समय जानकारी मिल सकती है कि हर प्रदेश में जो ग्रामीण विद्युतीकरण का काम है वो कितना तेजी से हो रहा है। अच्छा, मुझे ये भी बताया गया कि राज्य सरकार सूचना देती थी और केंद्र सरकार कहती थी कि हमने खुद ये काम किया और उसका क्रेडिट ले जाती थी, तो हमने सूचना देना बंद कर दिया। वास्तु स्थिति ऐसी नहीं है, हमने जो सूचना दी गर्व के ऐप में वो ये लिख के दी कि ये राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है, राज्य सरकार ने दी हुई सूचना है। आखिर मेरे पास तो विद्युत मंत्रालय में 150 लोग काम करते हैं, मैं तो जाके एक एक गांव में एक एक घर में बिजली नहीं पहुंचा सकता। हाँ, मैं पैसे की सहायता दे सकता हूं, मैं कल्पना बड़ी सोच बड़ी कर सकता हूं, मैं टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे राज्य सरकारें ले सकती है वो जानकारियां दे सकता हूं, और साथ में मैं निगरानी रख सकता हूं। निगरानी रखने का काम हमने जरूर जम के किया। और ये जब ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता जाते थे तब सच्चाई सामने आती थी कि कितना काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, काम की गुणवत्ता कैसी है। और ये मात्र उत्तर प्रदेश थी, ये देश भर में हमने एक ही प्रमाण रखा और उसका लाभ ये हुआ कि सभी ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता की रिपोर्ट वेबसाइट पे आने के बाद पत्रकार बंधु लिखने लग गए, सब खामियां निकालने लग गए, काम कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले शुरू में पत्रकारों को लगा अरे पीयूष गोयल को पकड़ने का अच्छा मौका है, आस्ते आस्ते ध्यान में आया इससे पीयूष गोयल तो पकड़ में आता नहीं है क्योंकि पीयूष गोयल ने ही एक जानकारी वेबसाइट पे डाली है, ऐप पे डाली है, जिससे जनता चौकन्ने हो जाए। मैं समझता हूं जब तक आपकी सहभागी नहीं भागीदारी नहीं होगी तब तक विकास कभी संपूर्ण विकास हो ही नहीं पाएगा। अब वो जानकारियां जनता को मिलने के बाद राज्य सरकारें थोड़ी चौकन्ने हो गई हैं, अब वो बड़े केयरफुली आंकड़े देती है जब वास्तव में काम पूरा हो जाता है, गुणवत्ता देखती है कैसा हो रहा है, क्योंकि उनको पता है केंद्र सरकार निगरानी रख रही है। इस निगरानी का ये लाभ हुआ कि अब देश भर में तेजी से विद्युतीकरण भी बढ़ रहा है। आज का आंकड़ा अगर देखें तो गर्व में आप जाएंगे आपको पता चलेगा 8529 गांव देश भर में नए गांव में बिजली पहुंच गई है। और भाई और बहनों, ये ऐसे गांव है, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई घने जंगलों में, आखिर 70 वर्ष लग गए पहुंचने को, तो मुश्किल गांव होंगे, तभी तो इतना समय लगा ना। पर लेकिन अब सबको ध्यान में आ गया कि अगर हमने गुजरात की तरह या मध्य प्रदेश की तरह विकास नहीं किया, अगर हमने इस प्रदेश को जल्द से जल्द हर घर को बिजली नहीं दी, तो अब जनता माफ नहीं करने वाली है। और मैं समझता हूं सबसे बड़ा लाभ अगर केंद्र सरकार की निगरानी, केंद्र सरकार के इस जिम्मेदारी ठहराने पे हुआ है कि कौन व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का एहसास पूरी तरीके से कर रहा है, काम अच्छी तरीके से कर रहा है, तो वो लाभ भारत की जनता को हुआ, भारत के लोगों को हुआ। और मैं समझता हूं जो लक्ष्य हमने रखा था कि 2022 तक हर घर तक हम बिजली 24 घंटे देंगे, हर किसान को पर्याप्त बिजली देंगे, अब वो काम मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से एक एक राज्य के साथ मैं पर्सनली बैठ के मॉनिटर कर रहा हूं कि काम क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कब हो रहा है, मुझे विश्वास है कि हम 2019 तक इस देश में एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां बिजली 24 घंटे ना मिले।